Mad Max. बॉस, बॉस ये क्या है? ये रोबोट 10 है, 10 सिर वाला रोबोट। इसके 10 सिरों में 10 ताकत है। एक से आग निकलती है तो एक से पानी, एक से धुआं निकलता है तो एक से पत्थर। इसके अलावा तेज रोशनी जो आंखों को चकाचौंध कर दे, लेजर बीम्स, तेज हवा, ऑयल, आइस और बिजली, ये 10 सिरों की 10 ताकत है। She is right, boss. I am genius. बस इसके रिमोट बटन को ऑन करो और वीर का काम तमाम। देखो बॉस, ये ठीक से काम करता है या नहीं। अरे ये क्या कर दिया तुम तो इंसान? बॉस, यू आर जीनियस बॉस। इसके 10 सिर काम करते हैं बॉस। आई एम मैड, वेरी वेरी मैड। स्टॉप दिस। बॉस, यू आर जीनियस। अब वीर नहीं बचेगा। वीर तो बाद में खत्म होगा, आज तू नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, बचा। और लो इमली बेटा, वीर तुम भी लो। बस दादाजी, मेरा पेट भर गया। मुझे भी नहीं चाहिए दादाजी। दादाजी, आपने चाट तो बनाई ही नहीं। मैं अभी चाट खा के आता हूँ। तुम लोगों को गार्डन में मिलूंगा, चलो वहीं खेलेंगे। चकाता हूँ। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। आओ आओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। बॉस बॉस, वीर के दोस्त जिंटू के भी 10 सिर हैं बॉस। इसका मतलब है ये भी रोबोट है। डॉक्टर प्रेम सहाय ने भी 10 सिर वाला रोबोट बना लिया है बॉस। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर प्रेम सहाय चोर है। उसने मेरा प्लान चुरा लिया है और उसे कॉपी करके 10 हेडेड रोबोट बना दिया है। लेकिन डोंट वरी, ये देगा तो मेरा रोबोट ही। बच्चों जल्दी से घर भाग जाओ, कोई 10 सिर वाला रोबोट चौक में तहलका मचा रहा है। 10 सिर वाला रोबोट? चुलबुल तुम इमली को लेकर घर जाओ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये तो जिंटू है, इसके 10 सिर कैसे हो गए? जिंटू, ये 10 सिर क्यों बना लिए? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
मैं तो चाट खा रहा था। ओफो जिंटू, ये गायब कैसे हो गया? बॉस, डॉक्टर प्रेम सहाय ने इनविजिबल रोबोट बनाया है, वो गायब हो जाता है बॉस। खा रहा है बॉस। वो दस सिर वाला इनविजिबल रोबोट कहाँ गया? पता नहीं बॉस, लगता है वो भी हार मान के भाग गया बॉस। रोबो बॉय, पीछे! अब क्या करोगे वीर? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अफसोस, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। बाय। छोड़ दो वीर को, छोड़ दो। वीर! बचाओ! सुनती नहीं हो तुम, तो मैं पहले घर छोड़ दूँ, फिर उसे देखता हूँ। अरे तुम क्या भला हो, कहाँ से आए हो? दस दस मुँह को खिलाते खिलाते सब सामान खत्म हो गया। मैं गाँव जा रहा हूँ, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वीर, उसके दस सिर हो या बीस सिर, कमांड सिस्टम एक ही जगह होगा, जहां हर सिर से वायर का कनेक्शन हो वो ही कमांड सेंटर होगा। ओके दादाजी, इमली अब वहां मत आना। लेजर वॉल ऑन। लेजर वॉल ऑन। इसको स्कैन करके देखा जाए कि इसके सरों का कमांड सेंटर कहाँ है। ओ, तो इसका कमांड सेंटर यहाँ है। क्या कर रहा हूँ? वीर वीर, वो दस सिर वाला रोबोट कहाँ गया? थैंक यू रोबो बॉय,
तुमने उस 10 सिर वाले रोबोट को मार के भगा दिया। अच्छा जिंटू, तुमसे एक बात पूछनी है। सबने देख लिया है कि तुम्हारे भी 10 सिर थे, जल्दी सबको ये बात भुला दो। मिस्टर चड्डा, आप कुछ पूछ रहे थे ना जिंटू से? नहीं तो मैं क्यों कुछ पूछूंगा? इमली इमली, वो 10 सिर वाला रोबो कहाँ है? ये अब आ रहा है जब सब कुछ खत्म हो गया। वो तो अच्छा हुआ रोबो बॉय आ गया। मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं उस 10 सिर वाले को पीट पीट के मारता। ओह, नेक्स्ट टाइम अगर खतरा हुआ ना तो रोबो बॉय की जगह तुम्हें बुला लेंगे। वीर, तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी, इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेग साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके, एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टीयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। फेकी फेकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा, अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। नारियल पेड़ के नारियल अपने आप नीचे आके चुलबुल के सामने हाजिर हो। वाओ वीर, देखो देखो, नारियल खुद पेड़ों से उतर रहे हैं। ये हमारी दोस्तों को खाने वाला है। कोकोनट। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू, ये जादू के नारियल बना के गायब मत हो जाना। तुम कौन हो? आओ मैं बताता हूँ। चिंटू, उन्हें रोको, वो भाग रहे हैं।
अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म तम दमादम। हे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक भी जाओ। वो मेरी जादू से बने हैं, इसलिए अब मेरा जादू उन पे काम नहीं कर रहा है। जब तक वो खुद ना चाहे, मेरा जादू उन पे काम नहीं करेगा। चलो उनको पकड़ते हैं। ये क्या बला है भाई? अरे बचाओ! ओए हमारे गांव में ऐसा नहीं होता! अरे क्या कर रहे हो? हटाओ अपनी गाड़ी! कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? अरे ये क्या? मेरी कार! वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं! करो पकड़ो उन्हें, मैं भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब वापस पेड़ पे चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? है ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूँ? ये कब बंद होगा? जिंटू कह रहा था जब तक ये खुद ना चाहे उसका जादू इन पे असर नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो इमली? कुछ ऐसा करो कि ये अपनी मर्जी से घर जाने को तैयार हो जाए। ओ चुलबुल, वो नारियल कहाँ है? तुम मुझे यहाँ चाट खिला रहे हो और वहाँ वीर अकेला उनसे लड़ रहा होगा। वेरी गुड, अब चलो जल्दी। जवानों इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो और ये एक साथ अटैक करना। यस सर। इमली तुम दूर जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं। जिंटू आ जाए तो तुम ये कर सकते हो, शायद ये काम कर जाए।
तो सुनो। दोस्तों हम हार नहीं मानेंगे। स्टॉप, परेड थाम, सल्यूट। हम सारी दुनिया के नारियलों के लीडर हैं। जैसे ही हमें तुम लोगों के बारे में पता चला हम आ गए। गुड जॉब डन, तुम लोगों ने अच्छा युद्ध किया। वो लड़का चला गया है, जीत तुम्हारी हुई। अब तुम सब थक गए होंगे, घर जाके आराम करने का समय है। क्या तुम सब घर जाके आराम करना चाहोगे? ये सब अपने घर जाने को राजी है, इन्हें घर भेज दो। ओके, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। इमली थैंक्स, तुमने अच्छा आइडिया दिया था। चुलबुल, आप फिर कभी नारियल पानी पीना हो तो खरीद के पी लेना, उन्हें पेड़ों से उतरने को नहीं कहना। मेरे लिए तो गाजर ही ठीक है, नारियल पानी बहुत भारी पड़ा।